दोस्तों का स्वागत करते हैं स्टॉक मार्केट तक चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं अदानी विल्मर लिमिटेड कंपनी के रिलेटेड। इस कंपनी के रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर फोर रिजल्ट्स डेट आपको अनाउंस्ड होते हुए आज के डेट में देखने को मिल चुकी है। तो कौन से डेट को क्वार्टर फोर के रिजल्ट इस कंपनी की आते हुए देखने को मिलेगी, साथ ही आज भी यहाँ पर देखा जाए तो अपर सर्किट के साथ कारोबार करती हुई देखने को मिली, तो आगे की आप लोग की क्या रणनीति होनी चाहिए यदि इस कंपनी में इन्वेस्टेड है या ऊपरी लेवल पर अपने बाइक कर रखा है गलती से, तो यहाँ पर किस तरीके का रणनीति होनी चाहिए, इन सभी पॉइंट्स के रिलेटेड एक एक करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। तो इससे पहले आप सभी दोस्तों के लिए इस चैनल पे दो और इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किए। फर्स्ट, यहाँ पे जो 100% का लिस्टिंग गेन दिया था कंपनी, उसमें आज के डेट में क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बाद शेयर प्राइस क्रैश होते हुए देखने को मिला, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात की गई। सेकेंड, इन तीनों IPO का आज के डेट में क्या कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। सो इन दोनों वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे और इन स्क्रीन पर लास्ट में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग इन दोनों वीडियो को वॉच कर सकते हैं स्टडी के लिए। तो इसी तरीके के स्टॉक मार्केट और IPO से जुड़ी हुई रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल वाले को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की मार्केट कंडीशन की बात करें तो निफ्टी आज अभी जो ट्रेड कर रही है 17,168 पे आपको कारोबार करती हुई देखने को मिल रही है। 17,800 के रेजिस्टेंस है जो कि आने वाले समय में यदि उसको ब्रेक करती है तो आगे के मोमेंटम जारी रह सकती है। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के यहाँ पे निफ्टी 50 में आज के डेट में जो तेज़ी देखने को मिली है, कल जो गैप डाउन जो ओपनिंग हुआ था और जो यहाँ पे गैप रह गई थी उसको फिल करने के लिए आज के डेट में इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक अच्छे पॉजिटिव सेंटिमेंट आज के डेट में मार्केट में बनी हुई है, साथ ही जो क्रूड ऑयल में गिरावट हो रही है वो कंटिन्यू रहती है और कंटिन्यू है अभी दो दिनों से, तो यहाँ पे भी इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी और आने वाले समय में इसी तरीके से इंडियन मार्केट आपको बुल रन में फिर से देखने को मिल सकती है। अदानी विल्मर लिमिटेड की आज की शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 803.15 रुपया पर यहाँ पे अभी भी आपको कारोबार करती हुई देखने को मिली है 5% के अपर सर्किट के साथ। तो देखा जाए इस कंपनी ने अभी तक लिस्टिंग गेन के बाद अभी तक कितने परसेंट का रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं, तो यहाँ पे 200 से ऊपर के परसेंटेज का यहाँ पे रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी ने दे चुकी है। इस कंपनी की बात करें तो इसकी लिस्टिंग 227 पे आपको होते हुए देखने को मिला था, वहाँ से लेकर अभी तक की बात करें तो 803 पे ट्रेड करते हुए देखने को मिले। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 2x यहाँ पे 3x से ज़्यादा इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे करके दिखा चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हाई लगाते हुए देखने को मिल रही है और अब यह हाई कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी ये आपको क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करने वाली है। यहाँ पे क्वार्टर फोर रिजल्ट्स देखने से पहले जो आपको इस कंपनी के रिलेटेड आपको पहले ही और यदि इस कंपनी में यदि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हुए थे और यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था तो अब यहाँ पे आपको आने वाले समय में यदि आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं पार्शियली आप खोले तो यहाँ पे अपने प्लानिंग के अनुसार से यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के अनुसार से आप अपने डिसीजन लेकर कारोबार कर सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कंपनी दे चुकी है और इस तरीके की कंपनी जो भी शॉर्ट टर्म में कंपनी रिटर्न्स देती है तो एक आपको कारण होते हुए देखने को मिलता है, या तो उस कंपनी में तेजी के बाद एक गिरावट फिर से देखने को मिलेगी और कंसोलिडेशन फेस, नहीं तो यहाँ पे ऊपरी लेवल पर ही कंसोलिडेट करते हुए कंपनी के शेयर प्राइस देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे दो तरीके से इस कंपनी के शेयर प्राइस आने वाले समय में देखने को मिलेगी, तो उन दो तरीकों में यहाँ पे कंपनी ढले दो देन यहाँ पे इसमें फ्रेश एंट्री या प्लानिंग करनी चाहिए। यहाँ पे बात करें जो कि अदानी विल्मर लिमिटेड के NSE के साइट पर विजिट कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के द्वारा 803 रुपये का फ्रेश 52 वीक फिर से हाई बनाते हुए देखने को मिली है। देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रेडिंग यहाँ पे हुई है उसके अनुसार से 26 अप्रैल आज की डेट में इस कंपनी ने 803.15 रुपये का हाई बनाया और यहाँ पे देखा जाए तो 86,52,000 जो कि इक्विटी ऑफ शेयर अभी भी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। अगर इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के रिलेटेड तो यहाँ पे क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स कौन से डेट के आते हुए देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अदानी विल्मर का क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आपको 2 मई को इस कंपनी के द्वारा अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स रिपोर्ट की जाएगी। तो यहाँ पे क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर के लेवल पर कंसोलिडेट कराती है या नीचे कंपनी के शेयर प्राइस ले जाती है वो काफ़ी ज़्यादा क्वार्टर फोर पे डिपेंड करने वाली है। यदि आपने इस समय तक शुरुआती से लेकर अभी तक होल्ड किए हुए तो पार्शियली आपको प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, वैसे अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अनुसार से फाइनल डिसीजन आपकी होनी चाहिए। बात करें यहाँ पे टेक्निकल्स के रिलेटेड अदानी विल्मर लिमिटेड की तो यहाँ पे आप सभी को रेगुलर हमेशा आप सभी को बताते आ रहा हूँ कि इस कंपनी के द्वारा जो 20 डेज मूविंग एवरेज है यदि उसके ऊपर कंपनी सस्टेन करती रहती है और उसके ऊपर कंपनी की शेयर प्राइस ट्रेड करती है तो यदि आप एज एग्रेसिव इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस या इसको फॉलो करके चल सकते हैं। यहाँ पे आने वाले समय में क्वार्टरली
के रिजल्ट्स के बाद या फिर से आने वाले समय में इसमें तेजी कंटिन्यू रहती है, तो क्वार्टर यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी का 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग जिस दिन दे दी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, और वो कंटिन्यूसली 20 डेज मूविंग एवरेज के 1 से 2 दिन तक ट्रेड करेगी, तो समझिए कि कंपनी में फिर से गिरावट और आने वाले समय में फिर से प्रेशर देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर कंटिन्यूसली गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है इन फ्यूचर टेक्निकल के अनुसार से। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो RSI अब को काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट जोन में जा चुकी है, 87.96 के RSI पर ट्रेड कर रही है, फिर से 90 के RSI पर जा सकती है, तो वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिल सकती है, जिस तरीके का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कुछ दिनों के टेक्निकल्स के अवेलेबल चार्ट के अनुसार से यहाँ पे देखा जाए तो देखा जाए वॉल्यूम के अनुसार से तभी भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ कारोबार होते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इस कंपनी के रिलेटेड सभी पॉइंट्स को एनालाइज किया जाए तो यहाँ पर कंपनी की जो आने वाले Q4 के रिजल्ट है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करने वाली है कंपनी की आने वाले समय में इसके पूरे जो कि शेयर प्राइस के मोमेंटम। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के रिलेटेड आप बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि अदानी बिल्मर या कंपनी लीडिंग कंपनी FMCG फूड कंपनी में जो कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द इसेंशियल किचन कमोडिटी को प्रोवाइड कराती हुई देखने को मिलती है। कंपनी की बात करें तो यहाँ पे इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल, यहाँ पे जो एडिबल ऑयल के रिलेटेड इंडोनेशिया से खबर आ रही थी वो रॉ मटेरियल यहाँ पे बैन नहीं किया गया, जो बैन किया गया फ्रेश जो ऑयल बनाकर वहाँ पे प्रोडक्ट जो बनाई जाती है उसको बैन किया गया। तो इस सभी कंपनियों को जो भी एडिबल ऑयल सेगमेंट में काम करती है उनके लिए कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसके रिलेटेड ही आपको जो कि इसके कंपटीटर कंपनी में आज के डेट में तेजी देखने को मिली, आपने ये सारा समझ चुका है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो उनके उसके रिलेटेड कल के लेटेस्ट लेट नाइट वीडियो आप सभी को अपलोड करके बताया था कि इसमें अच्छे खास मोमेंटम आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, और आज ही के डेट में उस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिली है। साथ ही इसके रिलेटेड बात बेसिक इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 1,04,338 करोड़ का हो चुका है, 1 लाख के मार्केट कैप को क्रॉस कर चुकी है कंपनी। करेंट प्राइस के अनुसार से इसके EPS प्राइस टर्निंग की बात करें तो इस कंपनी का प्राइस टर्निंग 159 पे ट्रेड कर रही है। देखा जाए तो 159 काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू पे इस कंपनी के शेयर प्राइस ट्रेड कर रही है, लेकिन इस ग्रुप के सभी कंपनियों की बात करें तो लगभग आपको 200-300 के प्राइस टर्निंग पर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो उसके मुकाबले यहाँ पे कम प्राइस टर्निंग पर अभी भी यह कंपनी ट्रेड करते हुए देखी जा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का इन दोनों पैरामीटर्स पर अच्छी देखने को मिल रही है। साथ ही यहाँ पे देखा जाए तो आने वाले समय में Q4 के रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली इस कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स को भी आपको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए इन फ्यूचर यदि इस कंपनी में इन्वेस्टेड है लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 87.94% है जो कि सेबी का नॉर्म्स है, उसको 75% से या 75% या 75% नीचे पर यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग होनी चाहिए, और यहाँ पे देखा जाए तो कम से कम 25% मिनिमम आपको जो होनी चाहिए पब्लिक की होल्डिंग होनी चाहिए। तो इस कंपनी में 3 ईयर के अंदर में जब से कंपनी लिस्ट हुई तब से लेकर अभी तक की बात करें तो आने वाले समय में 3 ईयर के अंदर में कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% करनी होगी, जो कि लगभग 13% का यहाँ पे जो कि आने वाले समय में शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को घटाना पड़ेगा। FII की होल्डिंग इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे 2.01% की है, DII की होल्डिंग 0.4% की, पब्लिक के पास 9.64% की। तो यहाँ पे पार्शली प्रॉफिट बुकिंग आपको करना स्टार्ट कर देना चाहिए। वैसे इसके रिगार्डिंग आपको Q4 के रिजल्ट से रिलेटेड आपको अपडेट आए मिलते रहेंगे, सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों को अपडेट मिल पाए। वीडियो पसंद है कॉल जरूर लाइक कीजिएगा। सो मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।